आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम ईद स्पेशल सिजलिंग चिकन कोला कबाब रेडी करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अंदर से जूसी बनेंगे कि जब आप एक बाइट लेंगे तो ये आपके मुँह के अंदर घुल जाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत डिलिशियस रेसिपी है। आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आप किस तरह परफेक्टली तरीके से जो है गोला कबाब बना के रेडी कर सकते हैं, जो कि दावत स्पेशल है, ईद स्पेशल है, पार्टी स्पेशल है। तो जी बगैर टाइम वेस्ट किए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक चॉपर ले लेंगे, जिसके अंदर हम कीमा जो है वो अच्छे से चॉप कर लेंगे बाकी इन्ग्रीडियंट्स के साथ। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन बोनलेस ले ली है, जिसको मैंने क्यूब्स के अंदर कट कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप डायरेक्ट इसका कीमा भी करवा सकते हैं। छोटी साइज़ की मैंने यहाँ पे एक प्याज ऐड की है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 7 जवे लहसुन और एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का ऐड किया है। 3 हरी मिर्चें मैंने बड़ी बड़ी जो है वो 2 पीसेस के अंदर कट करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर रोस्टेड ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। आपने रोस्ट कर लेना है पहले ज़ीरे को, फिर उसका पाउडर बना के ऐड करना है। 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर सूखा धनिया ऐड करेंगे साबुत। हसबे ज़ायका नमक ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पर 2 टी स्पून ऐड किया है। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून, और यहाँ पे 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और हम इन सब चीज़ों को अच्छे से चॉपर के अंदर अच्छे से चॉप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फाइनली किस्म का जो कीमा है वो बन के रेडी हो गया है। अब आपने इसको किसी खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के फ्रेश क्रीम का ऐड कर देंगे, या आप दूध की बलाई भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर घी ऐड करूंगी। घी ऐड करने के साथ साथ मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है वो भुना हुआ बेसन ऐड करूंगी। आपने जो है बेसन को तवे पे पहले अच्छे से रोस्ट कर लेना है, उसके बाद आपने इसको ऐड करना है। और 1/2 छोटा लेमन जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब हम इसकी कर लेंगे अच्छे से मिक्सिंग। मिक्सिंग आपने इसकी कम से कम 7 से 8 मिनट तक ज़रूर करनी है, जिससे जो ये है शाइनी बन के रेडी होंगे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नरम रुई की तरह बन के रेडी होंगे। तो आपने जो मिक्सिंग का है पार्ट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना। तो जी यहाँ पे हम गोला कबाब बना के रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे चॉपस्टिक ले ली है। अगर आपके पास चॉपस्टिक नहीं है तो आप किसी भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। हाथों को सबसे पहले आपने वाटर के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेना है, पानी को अच्छे से हाथ पर लगा लें। उसके बाद आप इस स्टिक के ऊपर थोड़ा थोड़ा बैटर लगा के जो है इस तरह से शेप दे दें गोला कबाब की, ईजिली आपके गोला कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। और जो हमने इसमें क्रीम और घी ऐड किया है, उससे यकीन करें ये इतने सॉफ्ट बनेंगे ना कि आपका दिल करेगा कि आप पूरी डिश खा लें। और आपने जब बेसन ऐड करना है 2 टेबल स्पून, तो उसको डायरेक्ट ऐड नहीं करना, उसको सबसे पहले आपने रोस्ट करना है हल्के से तवे पे, ताकि उसकी हल्की हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, फिर ऐड करना है। यहाँ पे हमने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ऑयल को आपने मीडियम हॉट करना है। उसके बाद आपने एक एक करके सारे गोला कबाब इसके अंदर ऐड कर देने हैं, और कम से कम आपने इसको एक साइड से 3 से 4 मिनट तक ज़रूर पकने देना है। उसके बाद आप इसकी साइड से वो टर्न करते जाएं, और आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है, ताकि जो कीमा है वो अच्छे से पक जाए और अंदर से जो है वो ड्राई ना हो। कम से कम इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे टोटल पकने में, और फिर आप इसको जो है वो सर्व कर लें। आप यकीन करेंगे इतने डिलिशियस और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी होंगे कि कोई भी इसको खाए बगैर नहीं रह पाएगा, और ना ही आपकी तारीफ़ किए बगैर जा पाएगा। तो यहाँ पे देखें मैं जो है इसकी साइड्स जो है वो टर्न कर रही हूँ, ताकि इक्वली साइड से भी पक जाए। इसलिए आपने ये वाला स्टेप भी ज़रूर करना है, इसको मिस नहीं करना आपने। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें यहाँ पे जो साइड्स हैं वो अच्छे से पक रही हैं, इसलिए आपने इसको उलट पुलट करके हर साइड से पका लेना है। और साथ ही साथ मैंने जो है अपनी सिजलिंग डिश को वो गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल के अंदर हम थोड़े से प्याज ऐड करेंगे, क्योंकि गोला कबाब के साथ प्याज जो है वो मस्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपने इसको सबसे ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर ही रखना है, ताकि ये जले ना, और हमारे जो है वो प्याज अच्छे से हल्के से 1-2 मिनट के लिए सोते हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर अपने सारे गोला कबाब ऐड कर देंगे जो भी हमने कुक किए हुए हैं। उसका आपने जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल देना है, और तकरीबन 1/2 से 1 टेबल स्पून के करीब आपने पैन के अंदर ऑयल ऐड रखना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर पोर कर देना है। तो जी हमारे सिजलिंग चिकन गोला कबाब रेडी हैं, ईद स्पेशल। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई करें, परफेक्ट रेसिपी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप मुझे दुआएं देंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। तो मैं अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त और सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी हुए हैं। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे भी अपना फ़ीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है। अल्लाह ताला हम सब के दस्तखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।